Disclaimer this video is made for road safety purpose only it doesn't mean to hurt any i apologize if i hurt anyone's feelings सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल के टी नाइनटी फाइव ब्लॉग आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल आज का ब्लॉग कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाला है मोटो ब्लॉगिंग या सब कुछ क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था मैं आप लोगों को वही हादसे का बात शेयर करने जा रहा हूँ शेयर करने मतलब वो आप लोग जो भी राइडर्स है जो भी ड्राइविंग करते हैं रोड पर निकलते हैं ना एकदम सतर्क रहने के लिए मैं एक छोटा सा वो देने वाला हूँ मेरे साथ जो हुआ है वो शेयर करने वाला हूँ जो क्योंकि ये 27 अगस्त 2030 की बात है जब मैं गेंटोक से लौट रहा था वहाँ पे गेंटोक के थोड़ा नीचे ही एक रानीपुल बोलने एक जगह है वहाँ पे आते मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ मैंने भी सोचा भी नहीं था वो जब मेरे आगे आगे एक बुलेट था वो बुलेट मेरे आगे जस्ट था इतना डिस्टेंस भी नहीं था मतलब ऐसे पाँच मीटर के गैप में ही था हम दोनों बुलेट जा रहे थे मतलब मेरा कोई पहचान वाला नहीं था और वो जो हमारे लेंथ का गाड़ी था सब जाम था उस टाइम कोई गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा था और जाते जाते वो बुलेट तो पास हो गया वहाँ पे गाड़ी बहुत रुका था वो पुलिस स्टेशन के जस्ट अपोजिट एक थार रुका था उसके वजह से इन सब जाम लगा हुआ था और उसके आगे एक लेडी कांस्टेबल था मैंने देखा नहीं वो मेरे आगे एक बाइक जा रहा था हमारे लेंथ का गाड़ी सब जाम पे रुका हुआ था नीचे से गाड़ी भी कोई नहीं आ रहा था जो मैं हम मतलब मैं और वो दूसरा बाइक जा रहा था और जाते जाते वो पाँच मिनट के डिस्टेंस पे ही था बस वो बाइक गुजर गया उसके बाद ही वो थार के आगे से झट से वो लेडी कॉन्स्टेबल निकल आया ना वो भी एक प्रोडक्ट रिसीव करके आ रहा था नीचे रोड क्रॉस कर रहा था मैंने भी देखा नहीं वो भी झट से आया मेरा बाइक भी इतना स्पीड पर नहीं था बस ऐसे दस का स्पीड ही था वो न्यूट्रल पे करके मैं चल रहा था झट से वो निकल आया तब तो उसी टाइम मैंने पैनिक ब्रेक लगा दिया उसको थोड़ा लगते मतलब इतना हिट भी नहीं किया थोड़ा लग के ही वो गिर गया और उतना वो तो नहीं हुआ था पर फिर भी मेरे को है ना इतना ज़्यादा वो हुआ कि अब वो पुलिस सब लेके मेरे को अंदर ले गया पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया वो लड़की को भी ले आया मेरा बाइक को साइड करके ना मेरे को इतना डर लगा वहाँ पे दस चार वो मतलब दस पंद्रह पुलिस थे सब लोग ऑन ड्यूटी था मैंने वो ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ था वो लेडी कांस्टेबल के साथ और इसलिए मेरे को बहुत डर लगा आज तो क्या हो गया है ना मैंने सोचा भी नहीं था वैसे भी खाली रोड था उस टाइम में थोड़ा स्पीड भी कंट्रोल ही कर रहा था ना थोड़ा स्पीड ही होता तो वो लेडी कॉन्स्टेबल बचता भी नहीं था इतना हैवी बाइक से लग के है ना बहुत डर लग रहा था वहाँ अंदर जाके पुलिस सब मेरे वो मेरा बायोडाटा है ना वो सब लेने लगा क्या कुछ क्या करता है क्या है ना मेरा वो बैकग्राउंड सब पूछने लगा और उसके बाद वो पुलिस सब ने बोला मेडिकल लेके जाना है ऊपर मणिपाल लेके आया और वो लेडी कांस्टेबल में और दूसरे पुलिस भी थे वो एक मैम भी था ऊपर लेके आया मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ सब ठीक ही था मेरा तो है ना मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ मतलब उसके बाद वो ले वो जो लेडी कांस्टेबल था मेरा विक्टिम उसका भी सब टेस्ट हो गया सब ठीक ही था उसका जो एक्सरे वगैरह हुआ था एक्सरे वगैरह सब ठीक था कुछ बोन डैमेज है ना मतलब बोन क्रैक ऐसा कुछ नहीं था बस जो बाहर का मसल्स पार्ट है ना उसी पे थोड़ा डैमेज आया था इसलिए मतलब थोड़ा जो वैसे भी नॉर्मली है ना लोगों को लगता है तो बाहर से दर्द तो होता है ना वो ठीक होने में दो तीन मतलब एक दो हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे ना और उसके ऊपर जो वो लेडी कांस्टेबल था उसका वो भी आया था गार्जियन बोल के एक लड़का आया था वो भी कांस्टेबल ही था मतलब लड़का था जो वो लड़का आके बोलने लगा मैं उसका गार्जियन हूँ ऐसा कुछ बोल के ना मैं तो डर के मारे सब घर को घर को मतलब मेरे आंटी को फ़ोन किया मेरे दोस्तों को फ़ोन किया ना और उसके बाद वो लड़का आके बोल रहा था ऐसा ऐसा कुछ करना है जो वो लेडी था वो तो बोल रहा था ऐसा डरिए मत ऐसा कुछ मैं बहुत डर गया था ना इसलिए सब लोग मुझे के थोड़ा तरस आ गया था मेरे डर के ना ऐसा कुछ हो गया वो पुलिस भी बोल रहा था वो मैम एक था इतना डरो मत इतना कुछ हुआ नहीं आज आपका लक्की दिन है बस उसका बाहर से ही ऐसा कुछ वो हुआ है मसल्स पे ही थोड़ा हीट हुआ है इसलिए अंदर कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है इंटरनल डैमेज ऐसा बोल के बोल रहा था वो लड़का था और वो डॉक्टर ने दिया था रिपोर्ट सब ठीक ही है आप लोगों को दवाई दिया है वो खाते समय ऐसे ऐसे करके खाना ऐसा वो बता रहा था पर वो लड़का है ना इतना ज़िद्दी था बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर है ना वो था वो लड़का बोल रहा था बड़े डॉक्टर को दिखाना है ऐसा कुछ बोल के ना मेरे को थोड़ा मैं सीधे साधा बोल रहा हूँ मेरे को थोड़ा सीधा देख के ना वो पैसा हड़पने के ऐसा कुछ ट्राई कर रहा था मैं सीधा ही बोल रहा हूँ इतना कुछ डैमेज भी नहीं हुआ था वो उसका बोन वगैरह इसलिए वो लड़का ही ज़बरदस्ती है ना घुस रहा था उसके साथ तो हुआ भी नहीं हुआ, पर मेरे को कल पह मेरे को मतलब कल पता चला ये हादसे हुए हुए 27 अगस्त को हुआ है ये हादसा और मेरे को कल भी बुलाया था वो रिव्यू वो लड़की को रिव्यू पे बुलाया था वो लेडी कांस्टेबल को वहाँ डॉक्टर ने इसलिए इतना कुछ तो नहीं हुआ सब ठीक ही था ठीक ही बोल रहा था वो जो डॉक्टर बोल रहा था कल भी गया था मैं गेंटोक जो पुलिस ने भी आन जब बुलाया हो तब तो आना ही पड़ेगा ऐसा कुछ बोला था ना इसलिए गया था मैंने जो एक लेटर जो एक रिटर्न लेटर भी लिखने के लिए बोला था वो पुलिस ने ऐसा कुछ लिख ऐसा कुछ बोल के लिखिए ये जो भी मैंने वो गलती किया है एक्सीडेंट के ऊपर उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है ना सब मैं लूँगा ऐसा कुछ बोल के लिख के मतलब लिख के हमको दीजिए और उसके बाद सिग्नेचर सब लेंगे उसका जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मेरा लाइसेंस जब्त कर दिया है पुलिस ने इसलिए लाइसेंस पुलिस के पास ही है तो इसलिए मेरे को जब तक ठीक नहीं होगा वो लाइसेंस नहीं मिलेगा ऐसा कुछ बोला था पुलिस ने मैंने भी हाँ ठीक है सर सब बोला था और उसके बाद बोला था डॉक्यूमेंट्स लाते आओ कल बोला था मैंने कल जाते समय डॉक्यूमेंट्स तो लेके गया था मतलब दो दिन मतलब कल था दो दिन ये आज जो वीडियो अपलोड हो रहा है शायद थोड़ा देर में हो रहा होगा और ऐसा कुछ था आप लोग मैं ये वीडियो की तरफ मैं आप बोलना चाह रहा हूँ जो आप लोग जो भी राइडर्स है जो भी ड्राइविंग है ना रोड पे चलते समय ना आपका गलती भी नहीं हो ना बस आप तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं ना रोड पे गाड़ी नहीं चल के तो क्या चलेगा इसलिए आपने गलती भी नहीं है तो थोड़ा दूसरे आके आपको हीट कर दिया आप क्या ही गलती है ना सो so, इसलिए सो so आप लोग भी सतर्क रहिए है ना इस ये वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ सो so, मेरे साथ जो हुआ है भगवान करे आप सबके साथ ऐसा ना हो है ना मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सबके साथ ना हो मेरे साथ जो भी हुआ है वो तो हो गया पर क्या करो है ना लाइफ में ऐसा उबड़ खबरता आते ही रहते so, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो